तो गाइस फिर से आप सभी का स्वागत है एक दूसरे वीडियो में। और अभी हम लोग कोणार्क टेंपल गए हुए थे तो वहाँ पर काफ़ी मज़ा आया। आप इससे पहले वाला वीडियो आप शायद देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो मैं ऊपर आई लिंक में बटन दे दूंगा, आप देख लेना, वहाँ पे लिंक दे दूंगा देख लेना। तो बस उसी रास्ते से हम लोग जा रहे थे अपने लॉज की ओर, तो यहाँ पर एक खूबसूरत सा बीच नज़र आया, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोग को भी दिखाया जाए। तो आज यहाँ का बीच देखिए, बहुत खूबसूरत बीच है। इससे पहले वाला जो बीच देखे थे वो भी खूबसूरत था, लेकिन ये भी खूबसूरत है। अभी मैं लॉज तरफ जा रहा हूं, तो लॉज का जाने के क्रम में जो भी मुझे कुछ दिखेगा आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। तो आइए इस बीच का थोड़ा सा मज़ा लेते हैं। क्राउड अच्छा है, हॉटनेस यहां का ज़्यादा है। हाँ हॉटनेस है, लेकिन हॉट नहीं है कोई। हॉटनेस से मेरा कुछ और मतलब था। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। अब ये टीवी है यहाँ पे, सिंगल के लिए 100 रुपीज़, और क्या है डबल के लिए 200, 150, दो के लिए 150 और एक के लिए 100 रुपीज़। अगर फ़ोटो शूट करवाना है तो 20 रुपीज़ लगेंगे। फ़ोटो शूट का ही पैसा लगता है भाई यहाँ पे। गाइस इस बीच से हम लोग बाहर निकलेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये अपना स्कूटी है जो यहाँ पे 12 घंटा के लिए आपको 300 रुपीज़ में मिल जाएगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक हम लोग लिए हैं, क्योंकि आज हम लोग का ट्रेन भी है, तो 8:55 में हम लोग ट्रेन है, तो फिर वापस भी जाना है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कुछ आएगा सीन। सो गाइस ये सीन देखिए कितना खूबसूरत है। बस ये बीच के किनारे में ये रोड बना हुआ है सुंदर सा, और काफ़ी मज़ा आ रहा है रोड में चलाने में गाड़ी। देखिए रोड भी पूरा एकदम क्लीन है, बहुत मज़ा आ रहा है सच में। हवा के आवाज़ से शायद हो सकता है मेरा वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन मैनेज कर लेना आप लोग। ये फील है यार सच में बहुत अच्छा है। तो भाई हम लोग यहाँ पे रुके हैं इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारा काजू का पेड़ है, और ऐसे रोड के किनारे में काजू देखिए ऊपर फरा हुआ है काजू पूरा, दिखाता हूँ रेयर कैमरे से। ओए क्या कर रहे हो? अरे उधर कोई होगा तो लग जाएगा पत्थर से। पेड़ कहाँ है भाई, लेकिन यहाँ संभाल के गाड़ी टूट जाएगा ना इस बार। नजदीक में मारी मारी मारी, गिर गया। पत्थर को काजू समझ के उठ। ये काजू एक तो मिला हम लोग को, इसको दांत से नहीं काटने तो मुंह जल जाएगा। हम लोग अब काजू का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अनबॉक्सिंग झिंगा लाला, काजू नहीं है, काजू नहीं है, हम लोग को धोखा मिल गया है। और ये काजू की जगह हम लोग को धोखा मिला है। पहले आप लोग को आगे का नजारा दिखाया जा रहा है, उसके बाद ये कैमरामैन का बाल उड़ रहा है, पता निकल से मेकअप करके आएंगे। तो जेली फिश वहाँ पे है, जूम करके बहुत प्लास्टिक हम भी सोचे प्लास्टिक, लेकिन तो पूरा जेली फिश भरा हुआ, समुद्र का ही पानी इधर से क्रॉस कर रहा है। गाइस तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम में, और आज का टोटल राइड हम लोग का लगभग कितना हो गया राइड, आज का लगभग 80 किलोमीटर राइड हो गया, और काफ़ी मज़ा आया घूमने में बाहर की। पता ही है कि इधर का माहौल थोड़ा अच्छा है, तो घूमने में मज़ा आया। फिलहाल कुछ सामान लिए हैं, आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लिया हूँ। सस्ता काजू दे रहा था 450 रुपये किलो था, तो 2 किलो मैं लिया हूँ। किशमिश भी लिया हूँ, ये मम्मी के लिए लिया हूँ ये वाला, ये घर के लिए है भगवान जी जगन्नाथ भगवान का है, ये कुछ रखने के लिए बॉक्स, अच्छा बॉक्स है, इधर से खुलता है। ये सारा कुछ दीदी के लिए है, इसमें ये कान का ये ब्रेसलेट है, तो कान का ही सारा कुछ, अब जो दीदी को पसंद आएगा वो ले लेंगे। और ये बॉक्स लिया हूँ छोटा भाई के लिए, अरे ये नहीं कहाँ गया मेरा नया वाला, हाँ यहाँ पर ये नया वाला लिया हूँ।
छोटा भाई के लिए है। और इतना सारा कुछ सामान जाएगा नहीं ये छोटा सा बैग में हट के, तो अभी मुझे एक बैग भी लेना होगा, छोटा सा बैग ले लेंगे। तो फिर चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल पर नया विजिट करें तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।